सो गाइस, अगर आप खोज रहे हैं स्पीकर एंड आपका बजट है 4000 रुपीज, देन ये वीडियो गाइस आपके लिए। क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ब्लूटूथ स्पीकर्स की बात करने वाला हूँ जो आपको अंडर 4000 रुपीज में देखने को मिल जाते हैं। एंड यही गाइस आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, साइड में लगा बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइस अगर आपका बजट इतना नहीं है, आपका बजट 1000 है, 2000 या 3000 है, हमने इसके ऊपर गाइस ऑलरेडी स्पीकर्स का वीडियो बनाया हुआ है। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या तो गाइस मैं आपको आई बटन में उसको दे दूंगा। तो चलिए गाइस बिना देरी किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लिस्ट पर जो ब्लूटूथ स्पीकर आता हुआ गैस JBL की तरफ से आने वाला क्लिप 4, ये गैस एक अल्ट्रा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। डेफिनेटली गैस ये आपके हैंड में बहुत अच्छे से आया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है एंड ये आपको 5 वाट पावर आउटपुट के साथ देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर में गैस को वोकल्स, ट्रेवल्स एंड बेस भी आपको इसमें बढ़िया देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि जानते हैं JBL ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है एंड ये जानी जाती है अपने साउंड क्वालिटी के लिए। और इसमें आपको 1050 mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो आपको 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। बट अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पर प्ले करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली कम जो है बैटरी आवर्स जो है प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये गाइस आपको IPX67 सर्टिफाइड है जिसके मतलब ये एक वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर है। यानी गाइस आप इसे आउटडोर कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, पूल वगैरह आसपास या बीच में इसे डेफिनेटली ले जा सकते हैं। ये फुल्ली एक वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर है एंड इसे गाइस आपको 1 मीटर तक भी डीप कर सकते हैं, फिर भी ये स्पीकर जो है गाइस आपको कुछ नहीं होने वाला। इस स्पीकर में गाइस आपको एक क्लिप भी देखने को मिलता है जिससे आप जो है आसानी से कैरी कर सकते हैं एंड इसमें गाइस कोई माइक नहीं देखने को नहीं मिलता है, इसमें कोई ऑक्स भी देखने को नहीं मिलता है एंड इसमें गाइस सभी मतलब मल्टीमीडिया बटन्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो है एक प्रॉक्स 4000 रुपीज को जो है देखने को मिल जाता है। फोर्थ लिस्ट पर जो ब्लूटूथ स्पीकर आता हुआ गाइस सोनी की तरफ से आने वाला SRS XB13। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो ये गाइस आपको एक सर्कुलर डिजाइन में देखने को मिल जाता है, ऊपर में आपको मैश देखने को मिलता है। इस स्पीकर का गाइस एग्जैक्टली वाट कितना है ये तो नहीं पता बिकॉज कंपनी ने इसका मेंशन नहीं करा हुआ है, बट डेफिनेटली गाइस ये भी आपको बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। वोकल्स, ट्रेवल्स वगैरह भी इसमें आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बेस भी इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ इसमें आपको जो है बैटरी भी मेंशन नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपको 16 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड कर देता है सब बताया गया, बट 100% वॉल्यूम पे ये जो है कम आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ये IPX67 सर्टिफाइड यानी ये भी एक वाटरप्रूफ स्पीकर है एंड इसे भी अगर पानी के अंदर डिप कर सकते हैं फिर भी ये कुछ नहीं होने वाला, मतलब डिप करेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। इसमें कैसे आपको TWS का फीचर देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप जो है और एक स्पीकर खरीद के दोनों को एक साथ पेयर करके जो है गाने का मजा ले सकते हैं। और इसमें आपको जो है माइक भी देखने को मिल जाता है जिससे आप जो है कॉल पिक करके बात कर सकते हैं। इसमें कैसे आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है जिससे आप जो इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। हालांकि कैसे ये बहुत ज़्यादा हैंडी है फिर भी इसमें स्ट्रैप देखने को मिल जाता है ताकि आप जो कहीं पर इसे हैंग भी कर सकते हैं। और इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वह है 3690 रुपीज, ये इसका करंट प्राइस है। थर्ड प्लेस पर जो ब्लूटूथ स्पीकर आता है ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस। अगर हम स्पीकर की बात करें तो गाइस ये उन दोनों जो स्पीकर थे इससे पहले उनसे ये थोड़ा बड़ाई देखने को मिल जाता है। उन दोनों जो थे वो अल्ट्रा पोर्टेबल थे बट ये पोर्टेबल है, तो इसमें आपको जो है गाइस 24 वाट का पावर आउटपुट देखने को मिल जाता है एंड इसका बेस क्वालिटी एंड ट्रैवल वगैरह एंड वोकल सेशन को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसमें गाइस आपको एक्स बेस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप जो है बेस को इनहांस फिर मैं कहूँ इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसमें गाइस आपको डुअल बेस रेडिएटर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड साउंड क्वालिटी के मामले में गाइस ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, बट ये 100% वॉल्यूम में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन डेफिनेटली करता है। इसमें आपको 2200 mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो आपको 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है, बट 100% वॉल्यूम पे डेफिनेटली ये कम आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करेगा। ये आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। IPX7 सर्टिफाइड है यानी कि ये फुल्ली वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर है, यानी कि गाइस अगर आप इसे आउटडोर कंडीशन में लेकर जाते हैं तो ये खराब नहीं होगा एंड इसे गाइस आप पानी के अंदर भी डिप कर सकते हैं फिर भी ये जो है खराब नहीं होगा। ये बिल्ट इन माइक है, इसमें आपको ऑक्स भी देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस है वो है अप्रॉक्स 4000 रुपीज। सेकंड प्लेस पर जो ब्लूटूथ स्पीकर आता है बोट स्टोन 1200। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो ये जो गैस आपको सर्कुलर डिजाइन में देखने को मिल जाता है विद फैब्रिक मटेरियल एंड ये जो गैस टच एंड फील बहुत ही अच्छा देता है, पकड़ भी बहुत अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली गैस ये थोड़ा आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। इसका पावर आउटपुट की बात करें तो वह है 14 वाट पावर
एंड ये जो गाइस स्पीकर है इसमें आपको वोकल्स एंड ट्रेवल्स भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है एंड बेस भी इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका लेफ्ट राइट में गाइस आपको बेस रेडिएटर भी लगा हुआ देखने को मिलता है जो आपको बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर देता है, एम्पलीफाई बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। स्पीकर गाइस एक बहुत अच्छा खास बात हुआ गाइस इसका RGB लाइट्स, इसका मतलब ये जो गाइस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आपको बैटरी की बात करूँ तो 3600 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि 9 hours ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। अगर आप इस स्पीकर में अगर आप RGB लाइट्स यूज करके सॉन्ग प्ले करते हैं तो डेफिनेटली से थोड़ा बहुत ही कम आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम इससे मिलने वाला। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑक्स USB एंड FM को भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। ये भी IPX7 सर्टिफाइड यानी फुल्ली वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर, एंड इसमें कैसे को TWS का फीचर भी देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप जो है और एक स्पीकर पैर कर सकते हैं एंड दोनों स्पीकर में सेम गाने का मजा ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ये बिल्ट इन माइक भी है एंड इसके साथ कैसे आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप जो इसे कैरी कर सकते हैं। इसमें भी सभी मल्टीमीडिया बटन्स वगैरह सभी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाता है एंड इसका प्राइस है 3499 rupees। फर्स्ट प्लेस पर जब ब्लूटूथ स्पीकर आता होगा इस गोवो की तरफ से आने वाला गोक्रस 900। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो ये एक न्यूली लॉन्च ब्लूटूथ स्पीकर है यानी जो ब्रांड भी न्यू है एंड इस स्पीकर में आपको 24 वाट का पावर आउटपुट देखने को मिल जाता है एंड बेस ट्रेवल्स एंड वोकल्स की बात करें तो ये भी सही देखने को मिलता है एंड ये गाइस अगर मैं बात करूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना सही देखने को मिलता है बट कंपनी ये बोलती है गाइस ये बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है बेस एंड आपका ट्रेवल्स एंड वोकल्स भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलता है। ये आपको जो 25 hours ऑफ प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है बट फुल वॉल्यूम पर थोड़ा कम ही आर्स ऑफ प्लेबैक टाइम जो प्रोवाइड करेगा और ये आपको ब्लूटूथ 5.0 के साथ देखने को मिल जाता है। ऑक्स एंड SD कार्ड का भी स्लॉट इसमें देखने को मिल जाता है। ये गाइस आपको IPX7 सर्टिफाइड यानी गाइस एक वाटर रेसिस्टेंट बोलती है बट आई थिंक सो ये वाटर प्रूफ होगी एंड ये गाइस आपको TWS का फीचर के साथ भी देखने को मिल जाता है जिसका मतलब आप जो है दो स्पीकर को एक साथ पेयर करके बजा सकते हैं एंड इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इनबिल्ट माइक भी है इसमें एंड गाइस इसमें आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है जिससे आप जिसे अच्छा अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं एंड इसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो वह 3499 rupees। तो ये थे गाइस कुछ ब्लूटूथ स्पीकर जो कि देखने को मिल जाते हैं अंडर 4000 rupees एंड ये सभी गाइस बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जहां से आप जो इन सबको परचेस कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।